मेरे ऑडी का एक दरवाजा कौन ले गया यार? ये सिर्फ टू डोर ऑडी है, और आपने कभी टू डोर ऑडी देखी है? देखी होगी ना, A3 देखी होगी, बट ये है A5। आज के इस वीडियो के अंदर हम इस गाड़ी का पूरा ही एक वॉक अराउंड लेने वाले हैं कि गाड़ी के अंदर क्या कुछ चीज़ें आती है, क्या कुछ फीचर्स आते हैं। बिकॉज ये जो गाड़ी है ये पुणे के डेक्कन व्हील्स के अंदर सेल के लिए अवेलेबल है एज अ यूज कार। यहाँ पे आप देख सकते हैं कन्वर्टिबल सॉफ्ट टॉप के साथ एक कार आती है, और प्रॉपर 4 सीटर कन्वर्टिबल कार हम इसको बोल सकते हैं। जब भी आप कोई कन्वर्टिबल कार देखते हैं आपको उसके अंदर से स्पेस काफ़ी कम मिलती है, बट ये गाड़ी के अंदर आपको स्पेस एकदम मजबूत मिलने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है बूट स्पेस, और बूट स्पेस से लेके आपको 4 लोगों की जो स्पेस है वो भी एकदम परफेक्ट मिलने वाली है। यहाँ से आप अपने सीट्स वगैरह भी ड्रॉप कर सकते हैं। पीछे के साइड में आपको यहाँ पे लैंप्स वगैरह मिलते हैं, जो कि आपको रात के टाइम पे जो ये है गाड़ी की डिक्की है ना उसके अंदर लाइट प्रोवाइड करेंगे। पीछे आप यहाँ पे देखना A5 की आपको यहाँ पे बैजिंग दिखेगी, और यहाँ पे आपको जो क्वाट्रो की बैजिंग दिखेगी। सो बेसिकली ये एक ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी है। क्वाट्रो आपको पता होगा ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम को जो इंडिकेट करता है ऑडी के अंदर, और गाड़ी डेफिनेटली काफ़ी क्रेजी दिखती है। साइड से आप इसकी जो अलॉयज भी देख सकते हैं मिशेलिन के, उसके ऊपर टायर्स लगे हैं, और इंटीरियर भी काफ़ी क्रेजी है। रोहन भाई ज़रा यहाँ पे भी देखना, ये है इसके अलॉयज की 18 इंचेस के अलॉयज आपको लो प्रोफाइल यहाँ मिलते हैं। प्रोफाइल भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी मस्त आपको प्रोफाइल मिलती है। सामने से अगर हम देखें तो गाड़ी सामने से कुछ इस तरह से दिखती है। सो यू कैन सी कि गाड़ी जो है किस तरह से दिखती है, काफ़ी एक डिफरेंट लुक ये गाड़ी जो प्रोवाइड करती है ऑडी A5। और चलते हैं गाड़ी के अंदर, अंदर के साइड में क्या चीज़ें हैं ना वो एक बार हम डिस्कस करते हैं। सो डोर हैंडल्स भी आप देखना, रीसेंट मॉडल है बिल्कुल ही, एकदम ही रीसेंट मॉडल आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर हम इंटीरियर के अंदर देखें यार, मतलब क्या ही यहाँ पे लग्जरी दे रखी है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको किस तरह की जो लग्जरी मिलती है इस गाड़ी के अंदर। और यहाँ पे नीचे आप पहले 4 छल्ले देखना, यहाँ पे आपको जो ये डोर के नीचे जो है पैडल लैंप्स मिलती है। देन एक बार हम वैसे गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं, ये है गाड़ी की चाबी। सो कुछ इस तरह की आपको चाबी मिलती है। गाड़ी को अगर हम स्टार्ट करें ना, बटन कहाँ पे है भाई, तो बटन आपको जो यहाँ पे मिलता है, ये मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी है। सबसे पहले मैं रूफ ड्रॉप करूँगा, तो रूफ अगर हमें ड्रॉप करना है ना तो यहाँ पे उसका स्पेशली बटन दिया है। तो यहाँ से अगर हमें बटन दबाए ना, अभी आप देखना है कमाल की चीज़। सो ये हो चुकी है, ये खुल गई है हमारी गाड़ी, और मिशन सक्सेसफुल। जो लुक्स है अभी आप देखना, काफ़ी क्रेजी लुक्स आपको यहाँ पे मिलती है। और गाइज अंदर की मतलब चीज़ें दिखाने में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बट ये जो चीज़ है ना ये मैं आपको दिखाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। तो पीछे भी एक बार मैं वैसे आपको दिखा देता हूँ। पीछे अगर हमें जाना है ना तो ये सीट फोल्ड करनी है, और यहाँ पर हम कुछ इस तरह से जो है बैठ सकते हैं। स्पेशली अगर आप कोई पिकनिक पर जा रहे हो ना तो ये गाड़ी काफ़ी कमाल की है, आप मस्त यहाँ पे बैठ के जो घूम सकते हैं, और एकदम स्पेशियस है। मतलब यहाँ पे भी मैं एकदम आराम से बैठ पा रहा हूँ। तो मैंने मतलब अभी तक तो कोई ऐसी कन्वर्टेबल गाड़ी नहीं देखी है जिसकी सेकेंड रो जो है मतलब कंफर्टेबल रहती है बैठने के लिए। और पीछे आपको प्रॉपर जो AC के ब्लोअर्स भी मिलते हैं, पीछे के साइड में आपको AC के ब्लोअर्स मिलेगी, और मतलब सारी कुछ चीज़ें यहाँ पर दी गई है। उसके अलावा एक बार मैं आपको जो यहाँ पर फिर से अंदर जाके बताता हूँ कि अंदर क्या कुछ फीचर्स है। तो रोहन भाई एक बार यहाँ से गाड़ी के अंदर बैठ जाना, ठीक है? ऊपर से दिखाया तो भी चल जाएगा, तो ऊपर से आप देखना क्योंकि ये कन्वर्टिबल गाड़ी है तो चारों ओर से दिखता है आप अंदर क्या कर रहे हो। ओके, तो टच डिस्प्ले नहीं मिलता है आपको, यहाँ से आप जो ऑपरेट कर सकते हैं। साउंड क्वालिटी की अगर हम बात करें ना, साउंड क्वालिटी आपको बहुत ही तगड़ी मिलती है, बट जब भी आप गाने सुनोगे ना तब चारों ओर सबको जो सुनाई देंगे। और सीट्स भी काफ़ी कंफर्टेबल यार, मतलब इस तरह की कन्वर्टिबल कार है ना मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। मतलब मैंने बहुत सारी देखी है बट प्रॉपर 4 सीटर कन्वर्टिबल कार रियली बहुत ही मस्त लगी मुझे गाड़ी। ऊपर आपको यहाँ पर जो छोटे छोटे सनवाइजर्स मिलते हैं, और रेयर व्यू मिरर आप इसका देख सकते हैं, पूरा ही फ्रेमलेस है। तो आपको यहाँ पर जो ये फ्रेमलेस रेयर व्यू मिरर मिलता है, यहाँ पे एक ग्लो बॉक्स वगैरह छोटी मोटी चीज़ें तो आपको मिल ही जाती है, इतना कुछ ऐसा देखने जैसा है नहीं। देन यहाँ पे AC के कंट्रोल्स और ये कुछ चीज़ें हैं। अभी फिर से एक बार मैं जब गाड़ी को बंद करूँगा ना तब वो चीज़ देखना। वैसे अगर हम बात करें ना तो ये गाड़ी पुणे के डेक्कन व्हील्स के अंदर सेल के लिए अवेलेबल है। तो अगर आपको खरीदनी है ना गाइस, तो यहाँ पे पीछे आप देख सकते हैं ये है पुणे का डेक्कन व्हील्स, आप यहाँ पे आके जो विज़िट कर सकते हैं। काफ़ी रिसेंट मॉडल है, अराउंड 2018-19 की गाड़ी है, 2018 की गाड़ी है शायद से, मैं स्क्रीन के ऊपर डाल दूंगा वैसे। और अगर हम बात करें ना गाड़ी की कीमत की, तो 65 लाख रुपीज़ के अंदर आप इस गाड़ी को जो खरीद सकते हैं। तो जो कीमत है वो भी काफ़ी अच्छी लगी मुझे इस गाड़ी के लिए। कन्वर्टिबल कैब्रियोलेट आपको यहाँ पे जो है गाड़ी मिलती है, और
बस गाइज आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था, ज्यादा मैं आपको बोर नहीं करूंगा। अगर आपको कुछ इस तरह की जो कन्वर्टेबल कार लेनी है तो आप जरूर से यहाँ पे आके जो विजिट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर की डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वाली इसे अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।